नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल केस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। राज्य सरकार सदैवी प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिए कृत संकल्प, वन एवं मनुष्य जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर, कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मनाया अपना 47वां स्थापना दिवस, विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे छात्रों पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री। भारतीय मजदूर संघ ने मनाया 61वां स्थापना दिवस, ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ के डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी जगदीश जोशी रहे उपस्थित। और कांग्रेस ने किया जंतर मंतर पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन, गरीबों के हितों के लिए दी गिरफ्तारियां, कहा मदन लाल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिनार का पौधा रोपित करने के उपरांत कहा कि राज्य सरकार सदैव ही पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन एवं मनुष्य जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और हम सब का कर्तव्य है कि ना केवल वनों का संरक्षण किया जाए बल्कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं और इन्हें जीवित रखना भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिनार का पौधा रोपित करने के उपरांत कहा कि राज्य सरकार सदैव ही पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में वनों का बड़ा महत्व है। मुख्यमंत्री जानवरों, पक्षियों व वन्य प्राणियों, जो पर्यावरण बनाए रखते हैं, के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 1500 हेक्टेयर वन भूमि पर 35 लाख औषधीय पौधों सहित 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के प्रयास आम लोगों को पौधारोपण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें वनीकरण के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाला एशिया में पहला राज्य है और इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार से इसके एवज में पहली किश्त के रूप में राज्य को 1.93 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसे राज्य की पंचायतों में पौधारोपण अभियान और संबंध गतिविधियों से जुड़े स्वयं सहायता समूह में वितरित किया गया है। दैनिक जागरण को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस सभा का आयोजन किया और इस मुहिम को, वृक्षारोपण के मुहिम को वो प्रदेश में चले। वृक्ष मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है और वृक्षों की रक्षा करना, जंगलों की रक्षा करना, वनस्पति की रक्षा करना न केवल सरकार बल्कि हर नागरिक का ये धर्म है। हमने हिमाचल में सख्त कदम उठाए और वृक्षों के कटान के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि वृक्ष जो है हमारा जीवन है। वृक्ष है तो इंसान रहेगा। जो ऑक्सीजन वृक्षों से प्राप्त होता है वो स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आज अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे छात्रों पर खूब बरसे और छात्रों को अनुशासन में रहने की हिदायत के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के आंदोलन से सख्ती से निपटने के आदेश दिए ताकि विश्वविद्यालय का माहौल शैक्षणिक बन सके। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के प्रदर्शनों और हड़ताल पर कड़ी टिप्पणी की है।
यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में सीएम ने दो टुक कहा कि अभी भी विश्वविद्यालय में कुछ उपद्रवी तत्व हैं, जो शिक्षा के लिए उचित नहीं है। विश्वविद्यालय को कहता हूं कि इस तरह के छात्रों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निराश होकर कहा कि एचपीयू में इस तरह के तंबू नहीं चलेंगे, ये प्रोफेशनल प्रदर्शन शिक्षा के मंदिर में ना करें। विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। अगर छात्र संगठन अपनी विचारधारा को दिखाकर प्रचार करना चाहते हैं तो मैदान में आए। विश्वविद्यालय प्रशासन को वे हिदायत देते हैं कि अभी तक नरमी रही है, इसे सख्ती से निपटा जाए। सरकार का उन्हें पूरा समर्थन है। शिक्षा को विचारधारा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। रूसा ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है। शिक्षकों को शुरू में रूसा से खतरा लगा, इसलिए विरोध किया गया। कहा गया है कि रूसा फेल हो गया, लेकिन रूसा नहीं, शिक्षक फेल हुए हैं। रूसा को पूर्ण सफल करने के लिए सहयोग दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 115 कॉलेज हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए नए संस्थानों को खोला गया है। शिक्षा में महिला क्रांति आई है। उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा के अवसर मुहैया करवाए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल विश्वविद्यालय के परिसर को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया, जिसके लिए अभी 150 बीघा जमीन दी गई है। कुलपति इस पर गौर कर जमीन का अधिग्रहण करेंगे। छात्र राजनीति होनी चाहिए, मगर वो एक जिम्मेवारी के दायरे के अंदर होनी चाहिए। मैं खुद भी छात्र नेता था अपने वक्त में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि छात्र नेता का काम ये हो कि वो अनुशासन को तोड़े और संस्था के चलने में रुकावटें पैदा करें, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ऐसे लोग आगे आने चाहिए जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनका शिक्षा से कोई ताल्लुक है, शिक्षा के प्रति कोई अनुराग है, और जो शिक्षा के अंदर जो है वास्तव में शिक्षा को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा की बदनामी नहीं करना चाहते हैं। सर, शिक्षकों की कमी को लेकर भी अब कमी कल दूर हो जाएगी। अगले दो महीने, तीन चार महीने के अंदर वो हर एक पोस्ट पर दी जाएगी। उधर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिक्षकों को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षकों के ऊपर छात्रों का भविष्य टिका होता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, जिसको शिक्षकों को जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाना चाहिए, तभी स्वस्थ एवं सुदृढ़ समाज की स्थापना हो सकती है। शिक्षित व्यक्ति वो है जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करता है। शिक्षित व्यक्ति वो है जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाने की क्षमता रखता है। सभ्य समाज का सभ्य नागरिक वो है जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक करने की योग्यता रखता है। सही अर्थों में आदरणीय शालीन सभ्यता और पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है जो दूसरे के भार को अपने हाथ से उठाकर कंधे के ऊपर रखने की क्षमता रखता है। यदि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में ये गुण नहीं है, भाई और बहनों, वो उस पत्थर के समान है जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री सहित उन्होंने वीवी परिसर में पौधा भी लगाया। इसके अलावा वीवी में सोलर सिस्टम का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। शनिवार को भारतीय मजदूर संघ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंडी के विश्वकर्मा सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ के डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी जगदीश जोशी ने की। मंडी के विश्वकर्मा सभागार में भारतीय मजदूर संघ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला भर के बीएमएस सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ के डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी जगदीश जोशी ने कहा कि देश भर में बीएमएस का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया।
भारतीय मजदूर संघ का 61वां स्थापना दिवस अभी आज आयोजन हो रहा है उसका, यानी 61 साल में हम पहुंच रहे हैं। 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी भोपाल में। पिछले एक साल से हमने अपने 60 वर्ष पूरे होने का एक आयोजन पूरे देश भर में प्रारंभ किया था, तो इस 60 वर्ष के समापन कार्यक्रम का आज पूरे देश भर में एक साथ पूरे देश भर में लगभग 150-200 स्थानों पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो लगभग पूरे देश भर में 400-500 कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सर क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम? उद्देश्य ये तो उद्देश्य इसका उद्देश्य कोई नहीं, ये तो हमारा स्थापना दिवस है, ये हर साल ही हम मनाते हैं। इस साल इसका विशेष आयोजन इसलिए हो रहा है कि ये 60वें वर्ष के कम्प्लीशन का कार्यक्रम है, यानी 60 साल पूरे होने के बाद 61 साल में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए विशेष इस साल जो है हमने इस पर विशेष फोकस किया है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई 1955 को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी और भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का संगठन है और मजदूरों के द्वारा ही चलाया जाता है। इस बार का स्थापना दिवस बीएमएस के 60 वर्ष पूरा होने पर विशेष रूप से 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना जिस समय हुई थी, भारतीय मजदूर संघ शून्य से प्रारंभ हुआ था। बाकी जितने भी श्रम संगठन आज हमारे देश भर में काम कर रहे हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय मजदूर संघ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंग नहीं है। दूसरा, बाकी श्रम संगठन जो है वो किसी न किसी एक ट्रेड यूनियन से टूट के बने हैं, केवल भारतीय मजदूर संघ ही एक ऐसा श्रम संगठन है जो है विशुद्ध रूप से श्रमिकों के द्वारा चलाया जाता है, श्रमिकों के लिए श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी सर? इसकी स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था कि बाकी श्रम संघ जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे और वो पॉलिटिकल पार्टियों की यानी अपने वोट बैंक के महत्वाकांक्षा के लिए वो मजदूर का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जो हमारे संस्थापक हैं, उन्होंने सोचा कि ये मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, क्योंकि मजदूरों को शोषण से मुक्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि जेन्युइन ट्रेड यूनियन, केवल जो मजदूरों के लिए ही काम करे, ऐसे ट्रेड यूनियन की स्थापना करनी चाहिए, इसलिए मजदूर संघ की स्थापना हुई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. First polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा पांचवी में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।
भोरंज विधानसभा को कांग्रेस के हाथ से गए लंबा अरसा बीत चुका है और अब लोगों को यहाँ पर कांग्रेसी नेता स्वर्गीय धर्म सिंह चौधरी की याद आने लगी है। यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी के नेता रमेश डोगरा जरूर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी हमेशा ही यहाँ पार्टी के लिए बड़ा नुकसान देती रही है। कांग्रेस नेता रमेश डोगरा यहाँ विशेष रूप से उस इलाके में जहाँ बीजेपी को 94% तक मतदान मिलता है, उस इलाके में जाकर भी काम करके कांग्रेस को संगठित करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं और इलाके में जाकर काम कर रहे हैं। इसको लेकर रमेश डोगरा ने कहा कि वो लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं और लोगों की समस्या सुलझाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमीरपुर वार्ड और भोरंज का ऊपरी इलाका जहां से कांग्रेस कमजोर मानी है वहां पर भी काम कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी को भी यहां से टिकट दे, हम सब साथ हैं और मिलकर चुनाव में जिसको टिकट मिलेगा उसे जिताने का काम करेंगे। 2012 में जब इलेक्शन लड़ा उसके बाद हम लोग अपनी टीम के साथ लगातार फील्ड में बने हुए हैं और लोगों के साथ जो भी उनकी समस्या है वो घर द्वार जाके हम जाके पूछ रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अभी हम देख रहे हैं जो कुछ पंचायतें पहले बमसन से आई हैं वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं और हमारा अभियान का उद्देश्य यही है कि हम आम आदमी तक पहुँचें। जो लोगों की रोज़मर्रा की कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो सड़की हो, चाहे वो बिजली की है, चाहे स्वास्थ्य की है, या कोई भी किस तरह की छोटी मोटी समस्या लोगों की, उनको हम माननीय राजा वीरभद्र जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उनके पास ले जाकर उनको हल करवा रहे हैं और हमारा अच्छा काम हो रहा है तक और लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खासकर जो हमारी अभी मेवा से भोरंज विधानसभा क्षेत्र बना, जो हमारी कुछ पंचायतें आई तो उनमें ज़्यादातर हम लोग जा रहे हैं और लोगों में एक अच्छा मैसेज है कि लोग हारने के बावजूद भी कि कोई हमारे बीच में आ रहा है और हमारी जो दुख दर्द है उसको बांट रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा और अब की बार उम्मीद है कि इस विधानसभा क्षेत्र से हम सब मिलके एक अच्छा परिणाम देंगे। सर देखो, मैं तो ये कहूँगा कि लोगों की अपनी कोई व्यक्तिगत कुछ बातें हैं, मैं उनके बीच में नहीं जाऊँगा, बट एक ही बात है कि हम लोग मुख्य रूप से हमारा एक उद्देश्य है 2017 में जो हम इलेक्शन आ रहा है उसके लिए हमारी तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है और जैसे ही पार्टी जिस किसी को भी आगे लेके आएगी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी हमारे जो एक तैयारी की है वो हमने डट के तैयारी की है और लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनका दुख दर्द बांट रहे हैं और उनकी जो भी समस्या है हल करने लायक उसको कर रहे हैं। और अभी 2017 में मुझे लग रहा है कि हम एक अच्छा परिणाम पार्टी को एक अच्छी स्पीड लेके जाएंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जिसमें हमीरपुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI के लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और प्रदेश से 600 से ज्यादा कार्यकर्ता ने इसमें भाग लिया। बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष मदन लाल कौंडल ने बताया कि हमारा ये धरना केंद्र सरकार के खिलाफ था जिसमें उन्होंने जनता से झूठे वादे करके केंद्र में सरकार बनाई और महंगाई कम करने के वादे भी किए, पर आज महंगाई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से दोगुना ज्यादा हो गई है। इस धरने का मुख्य मकसद यही था और जिस तरह की नीतियों के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है उससे ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में कांग्रेस जीतेगी और जिस तरह सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी उसी तरह हिमाचल में भी बनेगी। हिमाचल से पूरी ऑल इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से सेवा दल के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस, NSUI, इन चारों संगठनों का जो मोदी के बोर्ड जुमल टोल के जो खिलाफ था प्रदर्शन वो बहुत ही बढ़िया रहा। 20 तारीख को था प्रभाव महावर हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर से
निधि गोगोई में यहाँ से 100 के लगभग लोग यहाँ से गए हुए थे कांग्रेस के सेवादल के कार्यकर्ता, वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हमने, काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा लोगों को, जो महंगाई के बारे में हमने वहाँ पर जो प्रदर्शन किया मुस्कान ये रहा, पूरी हिंदुस्तान से वहाँ पर लोग आए हुए थे, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी दी गई हमें भी, वहाँ जो हमारे हिमाचल से हमीरपुर से गए थे जो हमारे कार्यकर्ता गए थे वहाँ हमने हमें भी गिरफ्तारी की, हमने वहाँ पर जाकर हमारे अपने महेंद्र सिंह जोशी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोतीलाल बोरा जी, जिनाद्र द्विवेदी जी और हमारे हिमाचल के चीफ अनुराग शर्मा जी और जो हमीरपुर से महिला मुख्य संगठन गई हुई थी हमारे यहाँ की ब्लॉकों की जिले के जो गए हुए थे हमारे साथ मेरे साथ सेवादार के, उन्होंने भी वहाँ पर गिरफ्तारियाँ दी और वहाँ पर हमने उनको बोल दिया मोदी साहब जितने मर्जी हमें गिरफ्तार करते रहिए, पानी की बछारे कर फेंकते रहिए, डंडे मारते रहिए, मगर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, वादा करते हैं आपसे कि हमारी जो पब्लिक की जो स्थायी हुई हिंदुस्तान की जो पब्लिक है उसको कृपया आप महंगाई कम करें, हर चीज़ का महंगाई जो आपने बढ़ाई हुई है इसको कम करें, ताकि लोगों को जो आपने वायदे किए थे वादा के ऊपर आप खरा उतरें, जो भी इन्होंने वायदे झूठे आश्वासन देकर लोगों को सतर्क में पहुँचे थे, तो मोदी जी आदरणीय मोदी जी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि महंगाई को कम करें, ताकि ये जो लोग हैं ये राहत की सांस लें और हिमाचल में हमारी जो कांग्रेस की हमारी सरकार बनी हुई है वो अच्छा कार्य कर रही है और लोगों को हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है अध्यक्ष हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, तालमेल से चलेंगे सभी और यहाँ पर। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत भत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ की हिमाचल प्रदेश की बल इकाई की मासिक मीटिंग 29 जुलाई को खंड प्रधान मंगत राम चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत डडौर के परिसर में निर्धारित की गई है और मीटिंग में पेंशनर्स के विभिन्न मांगों और समस्या को लेकर चर्चा की जाएगी, ये जानकारी बल इकाई के मुख्य संरक्षक लाल मन ने दी। मेरा नाम हमारी चौधरी मंगत राम की अध्यक्षता में 29/7/2016 को बैठक होगी जिसमें पेंशनरों की मांगों और समस्याओं के बारे में चिंतन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और उनका समाधान की हम बात करेंगे और हमको उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी। चिकित्सा भत्ता इत्यादि के बारे में भी हम विचार करेंगे, कम है और जो हमारे को 65 और 75 का लाभ मिलना है पेंशन भत्ता, वो भी हमारी मुख्य मांग है, उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। मेरा नाम एक बार फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।